झाइयां यानी कि पिगमेंटेशन आजकल एक आम समस्या बन गई है और इस समस्या के कारण हमारे चेहरे पर काले धब्बे हो जाते हैं। पिगमेंटेशन पहले उम्रदराज लोगों के लिए एक समस्या थी, लेकिन अब कम उम्र के लोगों को भी इसका सामना करना पड़ता है। ये दाग ना सिर्फ हमारे चेहरे पर बल्कि हमारे आत्मविश्वास पर भी असर डालते हैं। इतना ही नहीं, कई महिलाएं तो इसे ठीक करने के लिए मास्क, स्क्रब या पार्लर ट्रीटमेंट और पता नहीं कितने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लेती है और नतीजा पिगमेंटेशन कम होने के बजाय बढ़ जाता है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे पिगमेंटेशन के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। आपको बता दें, चेहरे पर झाइयां तब आने लगती है जब स्किन पर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा बनने लगता है, जिससे चेहरे पर दाग धब्बे नजर आते हैं। चलिए अब जान लेते हैं पिगमेंटेशन के सामान्य लक्षणों के बारे में। दरअसल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अधिकतर महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद पिगमेंटेशन से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं सनलाइट में ज्यादा देर तक रहने से झाइयां और गहरी होती चली जाती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण ये दाग और ज्यादा उभरने लगते हैं। वहीं अगर बात करें पिगमेंटेशन के लक्षणों की, तो इसमें अचानक स्किन के कलर में बदलाव आने लगता है, जो चेहरे के अलग अलग हिस्सों पर पैचेस के रूप में दिखाई देता है। ये पैच भूरे से काले रंग के हो सकते हैं। चलिए, अब आपने इसके कारण और लक्षण तो जान लिए, अब देश भर के काबिल और प्रसिद्ध हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान जी से जानते हैं इसके इलाज के बारे में। एक कैल्शियम की गोली मेडिकल स्टोर से खरीद के हर तीसरे दिन खाया करें और हमेशा खाएं, जब तक जिंदगी है खाएं, ठीक है। और गॉन मोरिंगा सफेद आता है एक, याद रखें ये नकली बहुत आता है, तो असली ले लें। गॉन मोरिंगा सफेद रोजाना 1 ग्राम दूध में मिलाकर पूरे दिन में बस एक बार गॉन मोरिंगा सफेद खा लिया करें। 2-3 महीने तक खाएं तो आपको फायदा होना मुमकिन है।